तो तद गृहे काष्ठम संस्थाप्य भ्रमणाय गतः, उसके घर में, किसके घर में, उस वृद्धा महिला, उस वृद्ध महिला के घर में काष्ठम संस्थाप्य, लकड़ी को संस्थाप्य, यहां पर भी देखिए संस्थाप्य जो शब्द आया है ये क्या है, ये कृदंत रूप है, यहां पर ल्य प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, स्था धातु है, संस्थाप्य, उसको स्थापित करके, उसको रख करके, किसको रख करके, लकड़ी को रख कर, कहां, वृद्धा के घर में। कह, कह का उत्तर यहां नहीं, वो छुपा हुआ है, कभी कभी कर्ता जो है हमेशा सामने दिखाई दे आवश्यक नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसको पहचान करनी होती है, पहचान कहां से करेंगे, उसकी पहचान हम करेंगे क्रिया रूप से, तो क्रिया हम देखते हैं यहां पर भी गतः है, तो गया कौन गया, तो इसके लिए हम पहले वाला जो वाक्य था उसका भी हमें संदर्भ देखना होगा, तब वहां से हमको पता चलता है कि सह, सह अर्थात श्रीगालः, वह जो है उस वृद्धा महिला के घर में लकड़ी को रख कर भ्रमणाय गतः, भ्रमण के लिए गया, भ्रमणार्थम गतः, भ्रमण धन अर्थम इति भ्रमणार्थम, अर्थम का योग जो है ये चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है, किसी शब्द में यदि आप अर्थम का प्रयोग किए हैं, जैसे यहाँ पर शब्द आया है भ्रमणार्थम, इसे गमन धन अर्थम इति गमनार्थम, जाने के लिए, तो इस तरह से ये इसका अर्थ प्रयोग जो है चतुर्थी भक्ति का रूप बनाने के लिए भी किया जाता है, या कहें कि चतुर्थी विभक्ति के विकल्प में अर्थम का योग किया जाता है, तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए गया। सा वृद्धा काष्ठम चुल्लिकायाम ज्वाल ज्वालयित्वा वटिका भुंजिका इति पक्वानम पक्वती, वह वृद्धा महिला देखती है अब घर में लकड़ी तो है, अब उसको आग जलाने की आवश्यकता थी खाना पकाने के लिए, तब खाना पकाने के लिए लकड़ियां जब सामने देखती हैं सूखी लकड़ियां हैं, तब वो उन्हीं लकड़ियों को, जिस लकड़ी को सियार लाया था उसको ही चुल्लिकायाम, चुल्लिका मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ सप्तमी भक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, जैसे लता शब्द की सप्तमी भक्ति एक वचन होता है लतायाम, वैसी चुल्लिका जितने आकार अंत रूप हैं वे सभी जो हैं एक जैसे चलते हैं, जैसे लता रमा गीता सीता कहते हैं, ये सभी आकारांत शब्द हैं और इन सभी शब्दों का एक जैसा रूप होता है, वैसे ही उन्हीं अर्थों में चुल्लिका यह शब्द आया है, तो इसका भी रूप लता के जैसे रमा के जैसे चलेगा, तो जैसे रमायाम होता है, लतायाम होता है, गीतायाम होता है, सीतायाम होता है, वैसे ही चुल्लिका से चुल्लिकायाम, सप्तमी भक्ति एक वचन का यह रूप है। तो सा वृद्धा काष्ठम चुल्लिकायाम ज्वाल, वह वृद्धा लकड़ी को चूल्हे में, सप्तमी व्यक्ति में पर, तो चूल्हे में ज्वालयित्वा जला कर, वटिका भुंजिकाम इति पक्वानम पक्ववती, वटिका बड़ा, भुंजिका भजिया, अच्छा लगता है ना आपको, घर में बनता है ना आपके बड़ा भजिया, भिन्न भिन्न जो पकवान हैं, जो विभिन्न त्यौहार आदि आते हैं उस समय हमारे घरों में बनते हैं ना, हाँ, और आप सब रुचि लेकर खाते भी हैं, तो ऐसे ही वह वृद्धा महिला जो है अपने घर में वटिका भुंजिका अर्थात बड़ा भजिया बनाने में लगी हुई थी और लकड़ियों की कमी पड़ी, तो उस लकड़ी को वो चूल्हे में जला दी, तो वटिका भुंजिका इति पकवानम पक्ववती, ये पकवान वह बनाने में लगी रही। यदा श्रीगालः भ्रमित्वा न्यवर्त्यत, जब श्रीगालः सियार भ्रमित्वा भ्रमण करके घूम करके न्यवर्त्यत वापस आया, न्यवर्त्यत इति न्यवर्त्यत, वह वापस आया, तदा सह अपश्यत, तब वह देखता है, क्या देखता है, यत यत वृद्धा तस्य काष्ठं प्रज्वाल्य सोल्लासेन वटिकाम निर्मितवती, उस वृद्धा ने उसकी लकड़ी को प्रज्वाल्य जलाकर सोल्लासेन उल्लास पूर्वकेन,
पर्याय भी पूछा जाता है, जैसे उल्लास पूर्वकेन या सोल्लासेन, ये दोनों समान अर्थ हैं। तो उल्लास पूर्वक सोल्लासेन अर्थात उत्साह पूर्वक हर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ वटिकाम निर्मितवती बड़ा भज्य इत्यादि वो बनाई थी। श्रीकाल ताम कथियत, सियार ने उस वृद्धा से कहा, क्या कहा, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम वा वटिकाम देही, मेरे लकड़ी के बदले मम जो शब्द है यह अस्मद का रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है मेरा या मेरे, मेरा मेरे मेरी, ये तीनों इसके अर्थ होंगे। तो स्थान के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। तो मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठम वा वटिकाम देही, मेरे लकड़ी के प्रत्युपकारे बदले में, प्रति उपकारे प्रतिधन उपकारे इति प्रत्युपकारे, यहाँ पर प्रति ई धन उपकारे उ, ई के आगे उ और दोनों मिलकर बनता है यह, ये कौन सी संधि में होता है, हाँ बिल्कुल सही, ये यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है यण स्वर संधि, ई और उ के योग से यह बनता है प्रत्युपकारे प्रतिधन उपकारे। तो इसके बदले में, इसके उपकार में काष्ठम वा देही, काष्ठम वा वटिकाम देही, लकड़ी या बड़ा दो। देखिए ये सियार कितना कैसे व्यवहार करता है, एक स्थान पर तो वह मिट्टी के बदले, उस ढेला लोष्ट के बदले, अपने मित्र के बदले मछलियां मांग लाया और फिर मछलियों के बदले वहां से लकड़ी मांग लाया, और अब लकड़ी के बदले क्या करता है, अब लकड़ी तो जला दी गई, लकड़ी मिलेगी क्या, नहीं। तब उस वृद्धा के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि या तो लकड़ियां दो या बड़ा दो, वटिकाम देही काष्ठम वा वटिकाम देही, या तो लकड़ी दो या बड़ा दो। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत, तो लकड़ियों को तो चूंकि वृद्धा ने जला दिया था, हाँ तो इसलिए वो लकड़ियां नहीं दे सकती थी, हाँ लेकिन जब सियार ने कहा कि नहीं चाहो तो बड़ा भी दे सकते हो, तब उस वृद्धा ने खुशी खुशी उसको बड़ा दे दिया। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत, उस वृद्धा ने उसके लिए श्रीगाल के लिए वटिका दे दिया। वटिकाम गृहीत्वा बड़ा को लेकर वनम प्रति प्रस्थितः, वन की ओर चला गया, कह प्रस्थितः श्रीगाल वह सियार। तो प्रस्थितः यह जो क्रिया रूप आया है ये बताता है कि कौन गया, वृद्धा गई कि वो सियार गया। तो प्रस्थिता लिखा होता स्त्रीलिंग होता तो स्त्री लिंग का जो कर्ता होता ये प्रयुक्त होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा है प्रस्थितः गया तो यहाँ पर उत्तर होगा श्रीगालः। तो वटिकाम गृहीत्वा बड़ा को लेकर वनम प्रति प्रस्थितः, वन की ओर चला गया। प्रति योग्य द्वितीया, प्रति का योग जहाँ पर होता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख रहे हैं वनम प्रति, वन के योग, प्रति का योग जो है वन के साथ हुआ है, इसलिए वन में क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, होना चाहिए षष्ठी विभक्ति, लेकिन चूंकि प्रति यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए षष्ठी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वन में किया गया है। तो वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रस्थितः, बड़ा को लेकर वह सियार जो है वन की ओर चला गया। सह स्ववटिका अजाचारिका यही बालिका यही प्रदाय अटनार्थम च गतवान। सह वह कह श्रीगालः सियार, स्ववटिकाम उस अपने उस वटिका को, अपने उस बड़ा को, अजाचारिका यही बालिका यही, अजा अजा कहते हैं बकरी, बकरी चराने वाली एक बालिका को प्रदाय देकर अटनार्थम च गतवान, घूमने के लिए कहीं चला गया। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती,
अब जिस बालिका को, जिस भेड़ बकरी चराने वाली बालिका को वो बड़ा देकर वह शिकार कहीं घूमने चला गया था, उस बालिका ने गठरी खोली, देखा बड़ा है, तो उसको क्या करती है, अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती। वह भेड़ बकरी चराने वाली बालिका जो है बड़ा को निकाल कर खा ली। यदा श्रीगालः आगत्य अपश्यत, जब श्रीयार वापस आया और उसने देखा, क्या देखा, ये सब देखा कि अब बड़ा नहीं है, पोटली खाली हो चुकी है। तदा तत्र वटिका नासित, तब वहाँ पर बड़ा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि सभी बड़ा, जितना बड़ा वहाँ था उन सभी को उस अजाचारिका बालिका ने खा लिया था, इसलिए बड़ा नहीं था। नासित, यह जो पद आया है न धन आसित, यहां पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, न धन आसित इति नासित, नहीं था। श्रीगालः अजाचारिकाम बालिकाम कथयत, श्रीगाल ने उस अजाचारिका बालिका से, उस भेड़ बकरी चराने वाली बालिका से कहा, क्या कहा, मम वटिकाम अजाम वा ददातु, मेरा बड़ा या अजा बकरी दे दो। तदा सा बालिका तस्मै एकाम जाम ददात, तब अब चूंकि बड़ा को तो उस बालिका ने खा लिया था, वो दे सकती थी क्या, नहीं, संभव नहीं था। तब सियार का जो दूसरा प्रस्ताव था कि उसके बदले में एक आजा दे दो, एक भेड़ या बकरी दे दो, तब उस बालिका ने क्या किया, तस्मै, उसके लिए, उस सियार के लिए एकाम, एक अजाम अजा को अददात दे दिया। तो उस सियार के लिए उस बालिका ने, उस अजाचारिका बालिका ने एक अजा अर्थात भेड़ या बकरी को उस सियार को दे दिया। श्रीगालः अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अचनाय प्रस्थितः, यदा सः पुनः विवाह गृहे आगच्छत् तदा अजाम प्राप्य उपस्थितान् जनान् अपृच्छत्, अहम् अत्र एकाम् अजाम् बद्ध्वा गतवान् ताम् अजाम् कः नीतवान्, यूयम् मह्यम् मम अजाम् वधुम् वा यच्छ, श्रीगालाय ते वधुम् दत्तवन्तः। श्रीगालः स्वकार्ये सफलः अभवत्, सः वधुम् नीत्वा स्वगृहं गच्छत्, सः वधुम् धान्यकूटनाय निर्देशितवान्, वधु धान्यकूटने संसक्ता, अनन्तरं श्रीगालः एकं कुक्कुटमादाय आगच्छत्, तत्क्षणैव वधु तस्य शिरसि मूसलप्रहारं कृतवती, तेन प्रहारेण श्रीगालो मृतः जातः। तदुपरान्ते वधु स्वपितृगृहे गतवती, यदा सा परिवारेण सह मेलनं कुर्वती आसीत् तदैव तत्र पित्रा विवाहार्थं निश्चितः वरागतः, तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वाः परिणयः अभवत्, वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वाः स्वागतं कृतं, तौ सुखेन न्यवसताम्। उस अजाचारिका बालिका से उस सियार ने अजा को लेकर अर्थात उस बकरी को लेकर वहाँ से चला गया। श्रीगालः अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः, अब वहाँ से जाते हुए वह बकरी को लेकर एक विवाह गृह में बद्ध्वा बांधकर अटनाय प्रस्थितः, घूमने के लिए चला गया। आप देखते हैं ना, समाज में लोगों का विवाह होता है, जो बड़े होते हैं, जो वयस्क होते हैं उनका विवाह होता है। तो ऐसा ही कहीं पर विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, उस विवाह स्थल पर जाकर उस सियार ने उस बकरी को बांध दिया
और बांध करके घूमने के लिए चला गया। अटनाय प्रस्थितः, अटनाय भ्रमणाय प्रस्थितः, घूमने के लिए माने भ्रमण के लिए या घूमने के लिए, अटन के लिए वह चला गया। अटन का अर्थ जो होता है भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, इस अर्थ में होता है। तो सह अटनाय प्रस्थितः, वह घूमने के लिए चला गया। यदा सह पुनः विवाह गृह आगच्छत, और जब वह अटन के पश्चात अर्थात भ्रमण के पश्चात, घूमने के पश्चात वापस आया, तब वह देखता है, क्या देखता है, उस विवाह गृह में जहाँ उसने उस अजा को, उस बकरी को बांधा था, तदा वह वहाँ नहीं था। तदा अजाम प्राप्य, तब वह अजा को अर्थात बकरी को अप्राप्य, नहीं प्राप्त कर, अजाम प्राप्य, अजाम धन अप्राप्य इति अजाम प्राप्य, अर्थात अजा को नहीं पाकर उपस्थितान जनान अपृच्छत, उपस्थित लोगों से, उपस्थित लोगों को पूछा, क्या पूछा, अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान, मैं यहाँ एक बकरी को बांध कर गया था, ताम अजाम कह नीतवान, उस बकरी को किसने लिया है, उस बकरी को कौन ले गया है, यूयम मह्यम ए मम अजाम वधुम वा यच्छ, अब चूंकि मेरी बकरी वहां नहीं है इसलिए यूयम, तुम सब, देखिए यूयम का प्रयोग हुआ है, यूयम का तात्पर्य होता है तुम सब। यूयम इस शब्द को यदि पहचानने के लिए कहा जाए तो इसका मूल शब्द है युष्मद। युष्मद का प्रथम व्यक्ति देखते हैं, त्वम युवाम यूयम, त्वाम का प्रयोग एक वचन के लिए, युवाम का प्रयोग द्विवचन के लिए, और यूयम का प्रयोग बहुवचन के लिए, अर्थात तुम सब। यूयम मह्यम, मह्यम ये अस्मद का मूल रूप, अस्मद इसका मूल रूप है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, मेरे लिए या मुझको। यूयम मह्यम मम अजाम वधुम वा यच्छ, तुम सब मेरे लिए मम अजाम मेरी बकरी, वधुम वा या वधु, यच्छ दो, यच्छ यह जो प्रयोग है ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, दो इस अर्थ में। श्रीगालाय ते वधुम दत्तवंतः, अब चूंकि बकरी तो वहां थी नहीं, तब लोग क्या करते, तब लोगों ने वो जो सियार था, जो कपटी था, जो चालाक था, उससे भिड़ना उन लोगों ने उचित नहीं समझा, और फिर उन्होंने वधु को उनको दे दिया। श्रीगालाय ते वधुम दत्तवंतः, उस श्रीगाल के लिए उन लोगों ने वधु को दे दिया। श्रीगालः स्वकार्य सफलः अभवत, अब देखिए सियार की चालाकी यहाँ पर सामने आती है। श्रीगालः स्वकार्य सफलः अभवत, सियार जो है अपने कार्य में सफल हुआ, जिस उद्देश्य को लेकर वह स्नान के लिए अपने मित्र लोष्ठ को लेकर के गया था, उसके बाद फिर तरह तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं उन सब का उद्देश्य क्या था, वह यहाँ स्पष्ट होता है कि वह अपने कार्य में असफल हुआ, अर्थात वह वधु को प्राप्त करना चाहता था, उसके लिए वो इतना सारा प्रपंच किया था, तो इस तरह से वह अपने कार्य में अब सफल हो गया। सह वधुम नीत्वा स्वगृहम अगच्छत, वह उस वधु को लेकर के अपने घर गया, अभी तक जहाँ से भी जो भी उसको मिलता था, चाहे लकड़ी लोष्ठ के बदले उसको मछली मिला, या मछली के बदले काष्ठ मिला, या काष्ठ के बदले उसको वटिका बड़ा मिला, या बड़ा के बदले अजा मिला, वो घर नहीं गया, उसको कहीं ना कहीं पर वह स्थापित करके वो कहीं ना कहीं घूमने के लिए गया, घर नहीं गया था, लेकिन अब जब उसको वधु मिल गया तब उस वधु को लेकर के वह क्या करता है, स्वगृहम अगच्छत, वह अपने घर जाता है। सह वधुम धान्य कूटनाय निर्देशितवान, और उसने घर जा करके उस वधु को धान कूटने का निर्देश दिया। धान कूटने से क्या होगा, धान कूटने से चावल बनता है,
और चावल से फिर भोज्य पदार्थ जिसको हम भात कहते हैं, ओदन कहा जाता है संस्कृत में, ये बनता है। तो उसके लिए, उस धान को कूटने के लिए, कूट करके चावल निकालने के लिए उन्होंने वधु को निर्देशित किया। सह वधुम धान्य कूटनाय निर्देशित वान, उसने, किसने, श्रीगाल ने उस वधु को धान कूटने का निर्देश दिया। वधु धान्य कूटने संसक्ता, अब उस श्रीगाल के द्वारा निर्देश दिए जाने पर, कहे जाने पर वह वधु धान कूटने में लग गई। अनंतरम, और इसके पश्चात सियार फिर घर से कहीं गया, और फिर श्रीगाल एकम कुक्कुटम आदाय आगच्छत, सियार जो है कहीं से एक कुक्कुट, कुक्कुट कहते हैं मुर्गी को, तो सियार जो है कहीं से एक मुर्गी लेकर आया। तत्क्षणैव, अब जैसे ही वह घर में प्रवेश किया, कौन, सियार, तो जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं तो सिर हमारा पहले जाता है, तो वैसे ही सियार जैसे ही घर में प्रवेश किया, अपना सिर प्रवेश किया, वधु तस्य सिरसि मूसलम प्रहारम कृतवती, बस वधु इसी प्रतीक्षा में थी, जैसे ही वो घर में प्रवेश करेगा, जैसे ही उसका सिर प्रवेश करेगा, वैसे जिस मूसल से वो धान कूटने में लगी हुई थी, मूसल आप जानते हैं ना जी, हाँ, तो उस मूसल से जो धान कूट रही थी, उस मूसल को उठाई और उसने उस सियार के सिर पर दे मारा। तो वधु तस्य सिरसि मूसल प्रहारम कृतवती, उस मूसल से उस सियार के सिर पर प्रहार उसने उस समय कर दिया। तेन प्रहारेण, उसके प्रहार से श्रीगालो मृतः जातः, वह सियार जो है मर गया। अब सियार मर गया तो वधु अब वहां से मुक्त हो गई, वह स्वतंत्र हो गई, वह आजाद हो गई वहां से। फिर क्या करती है, तदुपरांते, उसके पश्चात वधु स्वपति गृहे गतवती, ये वधु को लाया कहां से था, विवाह मंडप से उठाकर लाया गया, लेकिन वधु को उठाकर जब सियार ले आया तो बारात जो आई थी वो वापस चली गई। अब वधु जो है अपने पिता के घर अब नहीं जा सकती है, वो सीधा पहुंच गई कहां, स्वपति गृहे, अपने पति के घर में पहुंच गई। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वती आसीत, और जिस समय वह, जिस घर में उसका विवाह होना था वहां जाकर के परिवार के लोगों के साथ मिल रही थी। यदा, जब सा, वह कौन, वधु, सा का प्रयोग किया गया है, वधु कौन है, ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके लिए सा ते ता तद का जो रूप है स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग किया गया है, एक वचन सा, प्रथम विभक्ति एक वचन रूप, इसका अर्थ होता है वह स्त्रीलिंग। तो सा परिवारेण सह, देखिए सह का प्रयोग पुनः आया है, सह योगे तृतीया, तो परिवार के साथ इसका योग है, इसलिए परिवार शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जब वह परिवार के साथ मेलनम कुर्वती आसीत, मिल रही थी, कुर्वती, कुर्वती शब्द का प्रयोग हुआ है, यह कैसे बनता है, क्री धातु है और इसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग है, सत्री प्रत्यय वर्तमानकालिक प्रत्यय है, यह हुआ, हुए, हुई, इस अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहां पर जब वह अपने परिवार के साथ मेलनम कुर्वती आसीत, मिल रही थी, अर्थात मिलन का कार्यक्रम चल रहा था, तो क्री धातु सत्री प्रत्यय प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप बनता है कुर्वती, जैसे नदी का रूप जो जैसे बनता है नदी नद्यौ नद्यः, इसी तरह से कुर्वती कुर्वती कुर्वत्यौ कुर्वत्यः, इस तरह से इसका रूप बनेगा, और ये हुआ, हुए, हुई अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वती आसीत, जब वह परिवार के लोगों के साथ मिल रही थी, तदैव, तदाधन एव इति तदैव, यहां पर वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है, आ के पश्चात ए आने पर ऐ हो जाता है, ये क्या हुआ, ये वृद्धि स्वर संधि हुआ। तो तदैव, तभी तत्र वहां पित्रा विवाहार्थम निश्चितः वरागतः, पिता के द्वारा, पित्रा, पितृमूल शब्द है,
इसका तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है ये पित्रा, पिता के द्वारा। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, तृतीय विभक्ति अर्थात करण से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पितृ, पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप यह है, रूप बना है पित्रा, इसका अर्थ हुआ पिता से या पिता के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा इस अर्थ में है। तो पिता के द्वारा विवाहार्थम, विवाह के लिए निश्चितः, निश्चित किया गया वरागतः, वर जो है आया, किस समय आया, जिस समय वधु जो है परिवार के लोगों के साथ, घर के लोगों के साथ मिल रही थी, उसी समय पिता के द्वारा निश्चित किया गया वर घर में आया। तेन वरेण सह सो लासेन, उस वर के साथ उल्लास पूर्वक अर्थात हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ वध्वा परिणय अभवत, उस वधु का परिणय संपन्न हुआ। परिणय इत्युक्ते विवाह, ये पर्यायवाची है, परिणय का अर्थ होता है विवाह। तो तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वा परिणय अभवत, उस वर के साथ में उस वधु का परिणय जो है, विवाह जो है, उत्साह पूर्वक प्रसन्नता के साथ संपन्न हुआ। वरस्य ज्ञाति भी जनैः वध्वाः स्वागतम कृतम, और वर के जो ज्ञाति भी अर्थात उसके परिजन लोग थे, उसको जानने पहचानने वाले जो लोग थे, समाज के लोग जो थे, उन लोगों के द्वारा वध्वाः, वधु का, देखिए वधु मूल शब्द है और यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वध्वाः, वध्वाः, वध्वोः, वधूणाम, इस तरह से इसका रूप बनता है। तो वध्वाः षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है। तो वध्वाः स्वागतम कृतम, वधु का स्वागत किया गया, किनके द्वारा किया गया, वर के जो परिजन थे उन लोगों के द्वारा, वर के जो जानने पहचानने वाले जो लोग थे, समाज के लोग थे, उनके द्वारा वधु का स्वागत किया गया। तौ सुखेन न्यवसताम, और इस तरह से वर व और वधु दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी कहानी लोष्ट श्रृगालयोः मित्रता। इस पाठ में आपने देखा किस तरह से लोष्ट अर्थात मिट्टी का ढेला और सियार की मित्रता होती है, लेकिन सियार जैसा कि वो प्रारंभ से ही उनके विषय में कहा जाता है, वह कपटी होता है, वह छलिया होता है, तो उस प्रवृत्ति से वो ग्रसित होता है, और वही भाव इस पाठ में भी दिखाई देता है। सबसे पहले वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोष्ट से मित्रता करता है, फिर उस लोष्ट के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करते हुए वो उसके बदले में उसको नष्ट कर देता है, और फिर मित्र के बदले मत्स्य प्राप्त करता है, मछली प्राप्त करता है, मछली के बदले काष्ठ लकड़ी प्राप्त करता है, लकड़ी के बदले बड़ा प्राप्त करता है, और बड़ा के बदले बकरी प्राप्त करता है, और बदले फिर वो वधु प्राप्त करता है। तो इस तरह से यह जो सियार है, इस पाठ में जो बताया गया, इस कहानी में जो बताया गया है, वह एक लोभी प्रवृत्ति का है, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के दुराचार करता है, दुराउपाय करता है, और इस तरह से वो सदैव क्या करता है, लोभग्रस्त होता है। लेकिन हाँ, कहा जाता है ना, लोभ का अंत बुरा होता है, इसलिए इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभ हमें नहीं करना चाहिए, लोभः न करणीयः। और जिनको हम मित्र बनाते हैं, मित्र के साथ सदैव मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, मित्रों के साथ में छल या कपट नहीं करना चाहिए। अपने केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है, उसका परिणाम जो है, इस पाठ में जो इस तरह से बताया गया है, सियार की जो परिणति होती है, वैसी उसकी परिणति होती है। और इस पाठ में हम देखते हैं, इस पाठ का यह सुखद अंत है कि अंत में वर और वधु दोनों का मिलन होता है। तो निश्चित रूप से यह पाठ रोचक रहा है और ज्ञानवर्धक रहा है, साथ ही साथ शिक्षाप्रद रहा है। और मूल बात यह है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ की लोक कथा पर आधारित पाठ है, इसलिए यह पाठ हमारे छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है, इसका भी प्रतिनिधित्व करती है। सर्वेभ्यो नमो नमः।